हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिथ फार्मेसी। एंड गाइस, जैसे कि हम लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था फार्मास्यूटिक्स का फोर्थ चैप्टर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। सो आज हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स का पार्ट टू। ठीक है, कुछ टॉपिक्स बच गए थे तो आज हम कवर करेंगे। ओके, सो पहले देखिए टैम्पर प्रूफ कंटेनर, वहां पे हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर के बारे में डिस्कस कर चुके थे। सो आज हमें बात करनी है टैम्पर प्रूफ कंटेनर की। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो इट इज वन हैविंग एन इंडिकेटर टू बैरियर टू एंट्री विच इफ ब्रोकन और मिसिंग कैन प्रोवाइड विजिबल एविडेंस टू द बायर दैट द प्रोडक्ट हैज बीन टैम्पर्ड और ओपन। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो टैम्पर प्रूफ कंटेनर का मतलब क्या होता है? छेड़छाड़ विरोधी। टैम्पर प्रूफ मतलब कोई भी उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाए, टैम्पर प्रूफ कंटेनर ऐसे होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर टू बैरियर टू एंट्री विच इफ ब्रोकन और मिसिंग। देखिए अगर कोई भी प्रोडक्ट का जो पार्टिकल है अगर वो ब्रोक हो जाता है या फिर मिस हो जाता है तो उसे किसके अंदर जो आपका प्रिपरेशन है उसके अंदर एंटर नहीं होने देता है। ठीक है, कैन प्रोवाइड विजिबल एविडेंस। देखिए इस टाइप का आपका एक कंटेनर होता है टैम्पर प्रूफ कंटेनर। देखिए आपने देखा होगा ऊपर से, जैसे आपने कफ सीरप देखी है ऊपर से उस पर क्या आता है, इस तरीके से बाइंडिंग आती है उसमें अंदर, तो आप जब उसे प्रेशर लगा के खोलते हैं तो वो क्या टूटने की आवाज आती है, तो वही होता है टैम्पर प्रूफ कंटेनर। एंड प्रोवाइड विजिबल एविडेंस टू द बायर, और विजिबल एविडेंस बायर जो खरीदने वाला है, जिसे आप दे मींस जो खरीदने वाला है कोई भी कस्टमर है, उससे जो प्रिपरेशन है वो इस कंटेनर के अंदर क्लियरली दिखाई देगी। ठीक है, ओके, दैट द प्रोडक्ट हैज बीन टैम्पर्ड और ओपन, जैसे कि मींस इजीली खोल सकते हैं और इजीली वो ट्रांसपेरेंट होगा, दिखाई देगा बायर को। उसके बाद टैम्पर एविडेंट पैकेजिंग आर क्लासिफाइड एज। अब जो टैम्पर एविडेंट जो पैकेजिंग है वो किस तरीके से क्लासिफाई की गई है, फर्स्ट वन इज स्ट्रिप पैकेजिंग। स्ट्रिप पैकेजिंग क्या होती है, देखिए जो जैसे कि आपने देखा होगा पैकेजिंग आती है, जैसे टैबलेट और कैप्सूल जिसमें पैक होके आते हैं, फॉइल शीट होती है, दोनों साइड से फॉइल शीट होती है, एक साइड से वो क्या कॉन्वेक्स होती है, एक तरफ से प्लेन होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो स्ट्रिप पैकेजिंग में यही आ जाते हैं, जैसे कि पैकेजिंग ऑफ टैबलेट, टैबलेट की पैकेजिंग देखी आपने, फॉइल शीट में होती है सीधा। ठीक है, दो फेज होते हैं उसमें, राइट, एक आगे एक पीछे, दो फेज होते हैं, पीछे का प्लेन होता है जिसपे लेबल्ड होता है सारी चीजें और आगे टैबलेट पैक होती है, तो वो होता है स्ट्रिप पैकेजिंग। सेकेंड वन इज ब्लिस्टर पैकेजिंग। ब्लिस्टर पैकेजिंग आपने देखा होगा जो आइस के लिए कैप्सूल्स वगैरह आते हैं या फिर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की जो प्रिपरेशन पैकिंग प्रिपरेशन रहती है वो क्या कहलाते हैं, ब्लिस्टर पैकेजिंग। उसके बाद थर्ड वन इज फिल्म रैपर्स। फिल्म वेपर्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बुक वगैरह आती है ना, बुक का कवर होता है, बुक जो रेफरेंस बुक्स आती है उनके ऊपर कवर पॉलोथीन का कवर रहता है बिल्कुल उन्हीं के साइज का, उस टाइप की जो पैकेजिंग होती है वो कहलाती है फिल्म वेपर्स। उसके बाद फोर्थ है बोटल सील। बोटल सील आपने देखा होगा ऊपर से जो बोटल्स बंद आती हैं, जैसे कि आपने पेप्सी की बोटल्स आप देखते होंगे या फिर अदर जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं जो सिरप वगैरह है वो क्या ऊपर से पैक आते हैं, तो वो कहलाते हैं बोटल सील। फिफ्थ वन इज ब्रेकेबल कैप। अब ब्रेकेबल कैप्स क्या होते हैं, देखिए जैसे इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन आपने देखा होगा जो सिरिंज जब फिलअप करते हैं तो इंजेक्शन के कैप को ऊपर से ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ते हैं और उसके बाद उसमें क्या फिल करते हैं, आपका जो इंजेक्शन है उसके अंदर वो फिलअप किया जाता है जो प्रिपरेशन होता है, राइट। देखा होगा ना आपने फिजिशियन को ऐसे तोड़ते हुए ऊपर से वो जो ग्लास के आते, ये होते हैं ब्रेकेबल कैप। उसके बाद सील्ड ट्यूब। अब सील्ड ट्यूब्स क्या होती हैं, देखिए इस टाइप की प्रिपरेशन होती है जो पूरी तरीके से सील हो और या तो ये ऊपर से कट करके या फिर इनके अंदर कोई भी क्या होता है एक आउटलेट होता है जिससे कि ये प्रिपरेशन बाहर निकाली जाए। उसके बाद आ जाते हैं सील्ड कार्टून्स। आपने देखे सील्ड कार्टून्स जो कि पैक कार्टून आते हैं, कार्टून क्या होते हैं आपने देखे होंगे जिसमें फ्रीज टीवी वगैरह आते हैं, ऐसे ही मेडिसन्स के कार्टून आते हैं, अलग अलग सिरप वगैरह के कार्टून आते हैं जिनमें अच्छे से पैक कर दिया जाता है सारी प्रिपरेशन को।
उसके बाद बबल पैक्स, बबल पैक्स आपने ये देखा होगा, जो बोल सकते हैं एरोसोल्स वगैरह होते हैं, ये बबल पैक्स इन्हें बोला जा सकता है। दूसरी चीज आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो ऐसे प्रिपरेशन आते हैं बबल्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या बबल प्रिपरेशन रहती है, तो उन्हें क्या कहलाते हैं बबल पैक्स। नाइन्थ वन इज फॉइल पेपर एंड प्लास्टिक पाउचेस। फॉइल पेपर और प्लास्टिक पाउचेस क्या होते हैं, देखिए प्लास्टिक की पन्नी ऐसी प्रिपरेशन देखी होंगी आपने छोटी छोटी, जैसे कि पाउडर फॉर्म में अगर कोई मेडिसिन है पाउडर फॉर्म में है तो वो प्लास्टिक पाउचेस में या फिर फॉइल पेपर में आती है। उसके बाद एरोसोल्स, एरोसोल्स क्या होते हैं, देखिए ये ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें जो सस्पेंशन है मीन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स होते हैं मीन्स किस तरीके से प्रेशराइज फॉर्म में, प्रेशराइज फॉर्म में ये और जो आपके सस्पेंशन मतलब सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो प्रोपेलेंट में डिस्पर्स होते हैं। और क्या एक फोर्सफुल क्या है ये प्रिपरेशन है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए घर में आपके वोलिनी स्प्रे होगा ठीक है, या फिर परफ्यूम्स होते हैं, ये सारे स्प्रे जो हैं ये आते हैं एरोसोल के अंदर। प्रेशराइज्ड प्रिपरेशन होती है, प्रेशर होता है इसके अंदर और प्रेशर से ही फिलअप होते हैं जो मेडिकामेंट होते हैं इस प्रिपरेशन के अंदर। ओके एरोसोल, अब एरोसोल क्या होते हैं, इट इज अ डिस्पर्स सिस्टम, मैं बता दूं इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरोसोल तो अच्छे से तैयार कीजिएगा। इट इज अ डिस्पर्स सिस्टम इन विच वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट आर डिस्पर्स इन द गैस Which act a continuous phase? These are also called pressurized doses form. मैंने क्या बताया था, pressurized doses form होते हैं aerosols. First one से देखते हैं, it is a dispersed system in which very fine solid particle or liquid droplet are dispersed in the gas. देखिए क्या होते हैं, या very fine solid particles या फिर very fine मतलब बहुत अच्छे तरीके में arrange या तो solid particles या फिर liquid particles dispersed होते हैं किसके ऊपर, किसके साथ, गैस में। सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं गैस में। विच एक्ट अ कंटिन्यूअस फेज, जो कि काम करता है एज अ कंटिन्यूअस फेज, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म। और एरोसोल्स जो हैं वो प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म भी कहलाते हैं, क्योंकि ये एक प्रेशर के थ्रू ये प्रिपरेशन बनी है। प्रेशर के थ्रू कैसे, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल है लिक्विड पार्टिकल है उसके बाद गैसियस फॉर्म है, फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं प्रोपेलेंट्स हैं जो कि प्रेशर कोज करते हैं, प्रेशर बनाने का काम प्रोपेलेंट करते हैं, सो ये प्रिपरेशन कहलाती है एरो। उसके बाद टाइप ऑफ एरोसोल, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोसोल्स, एरोसोल्स के कितने टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेस एरोसोल, जिसे स्प्रे एरोसोल भी बोल सकते हैं, स्पेस एरोसोल बोलते हैं इसे। इट कंटेन फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हैविंग पार्टिकल साइज 50 माइक्रोन, एग्जाम्पल इंसेक्टिसाइड स्प्रे। देखिए अब जो स्पेस एरोसोल है, जिसे आप स्प्रे मतलब सबको स्प्रे का नाम ही देते हैं पहले, स्पेस एरोसोल, इट कंटेन फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल हैविंग पार्ट, देखिए इस स्प्रे एरोसोल जो होते हैं इसमें फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स, फाइनली जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं, जिसका जो साइज है वो कितना हो 50 माइक्रोन, इतना साइज होना चाहिए पार्टिकल्स का एरोसोल में जो हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल इंसेक्टिसाइड स्प्रे, जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे आते हैं उनमें स्पेस एरोसोल यूज होते हैं ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन इज स्पेस कोट एरोसोल, स्पेस कोट एरोसोल क्या होते हैं, इट कंटेन डिस्पर्स पार्टिकल हैविंग पार्टिकल साइज 200 माइक्रोन, एग्जाम्पल हेयर स्प्रे, पर्सनल डियोडोरेसर। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्प्रेस का नाम अलग किया गया, एरोसोल को अलग अलग डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज 50 माइक्रोन पार्टिकल साइज होगा, सब जितने भी पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, तो ये एज अ किसके काम करेंगे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे का। अब आ जाते हैं सरफेस कोट एरोसोल, जे ऐसे पार्टिकल्स कंटेन करते हैं जिनका साइज 200 माइक्रोन होगा, एग्जाम्पल हेयर स्प्रे, जो हेयर स्प्रे होते हैं उनके पार्टिकल का साइज मिनिमम और मैक्सिमम 200 होता है। उसके बाद पर्सनल डियोड्राइजर, अब पर्सनल डियोड्राइजर का मतलब क्या होता है, देखिए डियोड्राइजर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसी प्रिपरेशन होते हैं जो कि दुर्गंध को दूर करे, मीन्स बदबू ना आने दे, रूम फ्रेशनर वगैरह होते हैं इन्हें बोलते हैं डियो
ड्राइजर. उसके बाद थर्ड वन इज फोम एरोसोल. फोम एरोसोल क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट कम आउट इन द फ्रॉम ऑफ फोम फ्रॉम द कंटेनर. एग्जाम्पल शेविंग क्रीम. देखिए जो शेविंग क्रीम्स होती हैं, ठीक है, ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि फोम, फोम मतलब फोम देखा होगा आपने, गुदगुदा होता है, ठीक है, जो कि किससे बनता है आपका बोल सकते हैं जो सोप होता है या फिर डिटर्जेंट होता है, इनका फॉर्मेशन होता है, उससे फोम बनता है, झाग बनते हैं, तो जो फोम को बोलते हैं झाग. फ्रॉम द कंटेनर, कंटेनर से जब उसे उस प्रिपरेशन को यूज करें तो क्या दिखे? झाग, वहां पे फोम दिखाई दे, झाग बनते हुए दिखाई दे, जैसे कि शेविंग क्रीम्स में. उसके बाद एडवांटेजेस देख लेते हैं एरोसोल्स की. फर्स्ट वन इज इट इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन अफेक्टेड एरिया. एरोसोल्स को डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है. उसके बाद सेकेंड वन इज इट मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय मैनुअल अप्लाई. देखिए अगर एरोसोल जो प्रिपरेशन है इसे नियम के अनुसार, जो नियम दिया गया है, जो एक रिक्वायर्ड रूल्स हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाए तो बहुत कम डिस्कम्फर्ट. ये एक ऐसी प्रिपरेशन है जैसे आप इसे टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगी, ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा अगर आप इसे मैनुअली अप्लाई करते हैं, मीन्स नियम अनुसार अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसका यूज करते हैं. उसके बाद थर्ड वन इज एज ऑफ एप्लीकेशन. मींस ये ऐसी एप्लीकेशन है जिसे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा झंझट नहीं है. फोर्थ इज एब्सेंस ऑफ एयर प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट. देखिए एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस नहीं होती क्योंकि आप डायरेक्टली उसे अप्लाई कर रहे हैं प्रिपरेशन को, तो और वो टाइटली पैक होता है, प्रेशर उसमें इतना होता है प्रिपरेशन में कि एयर वाटर कुछ भी चीज़ उसमें एंटर नहीं कर सकती. जो चीज़ आपने खुद से एंटर करवाई है प्रिपरेशन को बनाने के लिए सिर्फ वो ही एंटर करेगा, अदरवाइज कोई एंटर नहीं कर सकता. तो एब्सेंस ऑफ एयर, अगर एयर की एब्सेंस रहेगी सो प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, मींस बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, राइट. सो इस प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आपके जो प्रिपरेशन है उसे बचाएगी, ये कहलाते हैं क्या वो एरोसोल्स होते हैं, ठीक है. फिफ्थ वन इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेडिकामेंट कैन बी प्रिवेंटेड. उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था, ना तो कोई भी एयर मॉलिक्यूल अंदर एंटर कर पाएगा, ना ही कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अंदर एंटर कर पाएगा. सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से भी एरोसोल प्रिपरेशन प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरी चीज आपकी हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से भी एरोसोल प्रिपरेशन प्रोटेक्ट करते हैं. उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इज ड्रग कैन बी गिवन बाय ओरल इनहेलेशन. इजीली जो ड्रग कंपाउंड है, अगर ड्रग कंपाउंड इनटेक करनी है, ओरली एडमिनिस्टर्ड करवानी है, तो ये इजीली ओरल इनहेलेशन के थ्रू भी अप्लाई की जा सकती है, एडमिनिस्टर्ड करवाई जा सकती है. इनहेलेशन तो पता होगा आपको, जो इनहेलेटर होते हैं ना, जैसे कि आपको कभी जो अस्थमा पेशेंट होते हैं वो क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं ना माउथ के थ्रू, जिससे कि उन्हें इजीली सांस आ सके. मेडिकामेंट जा रहा है उनके सीधा कहाँ पे, आपका ब्रोंक्यूल्स और पूरा लंग्स को एकदम क्लियर कर दे रहा है, तो वो ही यहाँ पे कहला रहा है कि आप इजीली इनहेलेशन प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं, ओरल इनहेलेशन के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करवा सकते हैं. सेवंथ वन इज द स्टेरिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी मेंटेन. जो प्रोडक्ट की स्टेरिलिटी है, स्टेरिलिटी क्या होती है, मीन्स फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एरिया को फ्री करना कहलाता है स्टेरिलिटी, ठीक है. ऐसी कंडीशन जो जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस ना हो, ऑफ प्रोडक्ट कैन बी मेंटेन. इजीली एरोसोल्स के अंदर स्टेरिलिटी मेंटेन रहती है, वहां एरोसोल्स में कोई भी जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती है. उसके बाद एट पॉइंट, मैनुअल कॉन्टेक्ट विद मेडिकामेंट कैन बी अवॉइडेड. उसके बाद मैनुअल मतलब क्या बता रहा था, मैनुअल का मतलब जैसे कि अगर आप नियम अनुसार कोई भी मेडिकामेंट लेते हैं सो इसमें क्या हो जाता,
जाता है, आप कोई भी ड्रग कंपोनेंट जो है अगर आप इजीली इन्हें अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन्हें अवॉइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस, अब कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज एरोसोल्स आर कॉस्टली प्रिपरेशन। एरोसोल्स जो है वो कॉस्टली प्रिपरेशन है, ठीक है, थोड़ा महंगा प्रिपरेशन है। सेकंड वन इज सम ऑफ द प्रोपेलेंट आर वेरी कॉस्टली। कुछ प्रोपेलेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपेलेंट का पता होना आपको जरूरी है। प्रोपेलेंट एरोसोल के अंदर एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जो क्या कॉज करती है, प्रेशर जनरेट करती है, और प्रेशर जनरेट होना एरोसोल के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो जब आप स्प्रे का जो स्विच है वो दबाते हैं, ऊपर की कैप प्रेस करते हैं, तो बाहर उसमें से प्रिपरेशन निकल के आता है। अगर प्रेशर जनरेट नहीं होगा, प्रोपेलेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो प्रिपरेशन काम का नहीं है, एरोसोल अच्छे से काम नहीं कर सकते, ठीक है। सो कुछ कुछ प्रोपेलेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। सम प्रोपेलेंट इरिटेट द इंजर्ड पार्ट। कुछ प्रोपेलेंट्स ऐसे आते हैं जो कि जो इंजर्ड पार्ट है वहां पे इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोपेलेंट दो टाइप के होते हैं, लिक्विफाइड प्रोपेलेंट और कंप्रेस्ड प्रोपेलेंट। लिक्विफाइड प्रोपेलेंट में इसमें क्या यूज होता है, इसमें लिक्विड यूज होती है। जो आपका प्रोपेलेंट है वो एज अ लिक्विड काम करता है, जो दूसरा कंप्रेस्ड प्रोपेलेंट है वो किस तरीके से सॉलिड फॉर्म में काम करता है, ठीक है। फिफ्थ वन इज दिस शुड बी कैप्ट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। जो ये प्रिपरेशन है एरोसोल्स, ये चिल्ड्रन से बच्चों से दूर रखनी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट इज मैनी डिफिकल्टीज आर फेस्ड इन एरोसोल फॉर्मेशन। एरोसोल के फॉर्मुलेशन में, उसके प्रिपरेशन में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि इसमें उसका प्रोपेलेंट किस तरीके से काम करेगा, प्रोपेलेंट के साथ जो डिस्पर्स फेज हम ले रहे हैं जिसे हम कंटिन्यूस फेज में चेंज करना है, वो उसके साथ रिएक्ट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, तो बहुत सारी अलग अलग इसमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ एरोसोल्स, अब एरोसोल्स की फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। एरोसोल कंटेन फॉलोइंग एडिटिव्स। अब एरोसोल्स के अंदर कौन कौन से एडिटिव्स होते हैं, मींस किस किस से बन के कौन कौन से पार्ट्स उसमें यूज होते हैं जिनसे एरोसोल का प्रिपरेशन होता है। तो फर्स्ट वन इज प्रोपेलेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एरोसोल की प्रिपरेशन में। इट इज यूज टू डेवलप प्रेशर इनसाइड द कंटेनर फॉर दिस पर्पज। कंप्रेस्ड गैस लाइक CO2 N2, लिक्विफाइड गैसेस लाइक इथेन मीथेन कैन बी यूज एज अ प्रोपेलेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोपेलेंट किसके लिए यूज होता है, प्रेशर जनरेट करने के लिए। डेवलप प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो आपकी प्रिपरेशन बन रही है एरोसोल वो किसमें होता है, कंटेनर होता है, ठीक है। इसमें एरोसोल का प्रिपरेशन बना तो उसमें प्रेशर जनरेट करने का काम कौन करते हैं, प्रोपेलेंट करते हैं। जैसे कि प्रोपेलेंट के एग्जांपल हो सकते हैं CO2 N2, ये लिक्विफाइड फॉर्म में हो सकते हैं, मैंने बताया था लिक्विफाइड प्रोपेलेंट होते हैं, कंप्रेस्ड प्रोपेलेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज गैसेस, जैसे कि ये तो लिक्विफाइड में हो गए CO2 और N2, यहाँ पे गैसेस देखिए इथेन मीथेन ये सारी गैसेस भी यूज होती हैं एज अ प्रोपेलेंट। फोर फार्मास्यूटिकल एरोसोल प्रोपेलेंट यूज्ड आर, फर्स्ट वन इज ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, सेकंड डाइक्लोरोफ्लोरोइथेन, थर्ड वन इज डाइक्लोरोटेट्राफ्लोरोइथेन, फोर्थ इज डाइफ्लोरोइथेन। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो एज अ प्रोपेलेंट यूज होते हैं एरोसोल की प्रिपरेशन में। उसके बाद मेडिकामेंट, अब मेडिकामेंट भी यूज होता है। फर्स्ट हो गया प्रोपेलेंट जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एरोसोल की प्रिपरेशन में। उसके बाद मेडिकामेंट, जो मेडिकामेंट है वो तो जरूरी होता है, मेडिकामेंट के बिना प्रोपेलेंट भी क्या कर लेगा। सो मेडिकामेंट मतलब जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हम उसके अंदर रखते हैं जो बीमारी के लिए यूज करते हैं। इट मे बी सॉलिड और लिक्विड एंड मे बी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन द प्रोपेलेंट। देखिए जो मेडिकामेंट होता है वो या तो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड, दोनों ही हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, सोल्यूबल भी हो सकता है और इनसोल्यूबल भी हो सकता है प्रोपेलेंट में, तो दोनों ही कंडीशन होती है। सेकेंड थर्ड वन इज अदर एडिटिव्स। अब अदर एडिटिव्स जो अलग एडिटिव्स हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं, फर्स्ट वन इज इट इंक्लूड फ्लेवरिंग एजेंट, बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट भी इंक्लूड होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट,
फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि प्रिपरेशन को एक अच्छा फ्लेवर दे सके, जैसे कि ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, सो एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए, जिसलिए इजीली पेशेंट उसे इंटेक कर सके। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने से रोके। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कोज कर लेते हैं, सो एंटीऑक्सीडेंट यूज होते हैं जिससे कि जो कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कोज ना करें। सॉल्वेंट्स, बहुत सारे अलग अलग सॉल्वेंट्स यूज हो सकते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट, अब सरफेस एक्टिव एजेंट्स, बहुत सारे ऐसे सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि यूज होते हैं किसके अंदर, एरोसोल की प्रिपरेशन में, ठीक है। उसके टाइप ऑफ एरोसोल सिस्टम, अब कितने टाइप हो सकते हैं एरोसोल सिस्टम के। फर्स्ट वन इज टू फेस सिस्टम, पहला होता है टू फेस सिस्टम। इन दिस सिस्टम द मेडिकम एंड सॉलिड और लिक्विड इज सोल्यूबल इन द प्रोपेलेंट और सॉलिड इज इनसोल्यूबल इन द प्रोपेलेंट। देखिए, जो टू फेस सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम द मेडिकम एंड सॉलिड और लिक्विड, या तो मेडिकम एंड सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा, किसी भी टाइप का हो सकता है, लास्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, इज सोल्यूबल इन द प्रोपेलेंट, ठीक है। सोल्यूबल होगा किसमें, प्रोपेलेंट में, सॉलिड इज इनसोल्यूबल इन प्रोपेलेंट, लेकिन जो सॉलिड है वो इनसोल्यूबल होगा किसके अंदर, प्रोपेलेंट के अंदर, एंड इज डिस्पर्स इन द प्रोपेलेंट, और डिस्पर्स होगा किसमें, प्रोपेलेंट पे डिस्पर्स होगा, लेकिन क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा प्रोपेलेंट के अंदर, अगर आप सॉलिड फॉर्म में मेडिकमेंट यूज कर रहे हैं। दस एरोसोल सिस्टम हैज टू फेजेस, इसीलिए जो एरोसोल सिस्टम है उसके उसे दो फेजेस में डिवाइड किया गया, वन इज लिक्विड फेज वाइल अनदर इज गैसियस फेज। दो फेज, दो अलग अलग फेज में डिवाइड किया गया किसे, एरोसोल सिस्टम को, ठीक है। फर्स्ट वन इज लिक्विड फेज, सेकंड वन इज गैसियस फेज, हैंस कॉल्ड टू फेज एरोसोल सिस्टम, और यही कहलाता है टू फेज एरोसोल सिस्टम। उसके बाद थ्री फेज एरोसोल सिस्टम, अब थ्री फेज एरोसोल सिस्टम का क्या फंडा है, इन दिस सिस्टम द मेडिकमेंट इज इनसोल्यूबल इन प्रोपेलेंट। देखिए, इस सिस्टम के अंदर जो मेडिकमेंट है वो इनसोल्यूबल होगा प्रोपेलेंट के अंदर, एंड इट इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड, और इजीली डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, लिक्विड में, विच इज इम्पॉसिबल विद प्रोपेलेंट। देखिए क्या होता है, जो आपका मेडिकमेंट है वो इनसोल्यूबल होगा प्रोपेलेंट में, एंड इट इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड, लेकिन इजीली डिसॉल्व हो जाएगा लिक्विड में, विच इज इम्पॉसिबल विद द प्रोपेलेंट, बट वो लिक्विड इमिसिबल होगा किसके साथ, प्रोपेलेंट के साथ, राइट। दस देयर आर थ्री फेजेस नेमली, अब इसके थ्री फेजेस कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट थ्री फेज में प्रोपेलेंट होता है, इमिसिबल लिक्विड होता है, जो हमारा मेडिकमेंट है वो लिक्विड में मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये जो इमिसिबल लिक्विड है ये प्रोपेलेंट के साथ मिक्स नहीं होगा, याद रखिएगा। थर्ड वन इज गैसियस फेज, ये तीन फेज होते हैं थ्री फेज एरोसोल सिस्टम में, Thus it is known as three phase aerosol system, और यही कहलाता है three phase aerosol system। उसके बाद give the construction of aerosol container। अब देखिए, construction कुछ इस type का होता है aerosol container का, aerosol container कुछ इस type का दिखाई देता है। देखिए, ये ऊपर क्या है, aerosol spray, यहां से spray होगा, equator valve, valve का क्या काम होता है, बंद करना और चालू करना, वॉल्व होता है जिससे आप, जैसे आपने आपके घर डिओड्रेंट की जो बोतल होती है आप ऊपर से कैप हटाते हैं ना, फिर उसके बाद उसे प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एरोसोल स्प्रे, ये इक्वेटर वॉल्व होता है जो ऊपर लगा होता है। ये क्या है, गैस अंडर प्रेशर, यहाँ पे ये क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है किसके साथ, प्रेशर के साथ, लिक्विड एंड गैस सोल्यूशन, ये लिक्विड और गैस का सोल्यूशन है, और ये बीच में क्या है, ट्यूब है, राइट। एरोसोल कंटेनर कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट, एरोसोल कंटेनर चार पार्ट में डिवाइडेड है। कंटेनर, इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मेटल, ग्लास और प्लास्टिक। ये जो है एरोसोल कंटेनर, ये प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, तीनों ही फॉर्म में हो सकता है। द मेटल यूज आर एल्यूमिनियम, जो मेटल यूज होता है एरोसोल की प्रिपरेशन में, अगर मेटल का है तो उसमें एल्यूमिनियम का हो सकता है ये जो आपका कंटेनर है, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, ठीक है। यही दोनों जो फॉर्मेशन है वो यूज होती है मेडिकामेंट में। सेकेंड वन इज द कंटेनर शैल बी सच दैट इट कैन विद स्टैंड हाई प्रेशर। देखिए क्या बताया यहाँ पे, कंटेनर
की शैल होती है, मींस बाहर की जो आप बोल सकते हैं पूरा बाहर की मेम्ब्रेन होती है, ये विद स्टैंड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर विद स्टैंड का मतलब क्या होता है, सहन कर लेती है किसे, हाई प्रेशर को, ठीक है। इसी प्रकार से ये प्रिपरेशन बनाई जाती है। वॉल्स, अब वॉल्स क्या होते हैं, द वॉल्स शुड बी इजिली ओपन और क्लोज। जो वॉल्स होते हैं वो इजिली ओपन हो सकते हैं और इजिली क्लोज किया जा सकता है। वॉल्व मैंने बताया था ना कि ऊपर के साइड क्या लगे, तो वॉल्व्स लगे होते हैं जिनके थ्रू इजिली क्लोज किया जा सकता है, प्रिपरेशन को इजिली ओपन किया जा सकता है कंटेनर को। इट शुड स्प्रे द कंटेंट इन डिजायर्ड फॉर्म। जो वॉल्स होते हैं इनके थ्रू जितना भी जरूरत होता है कंटेंट का, उसके हिसाब से हम स्प्रे करके बाहर, जैसे कहीं पर आपको चोट लगी और आपको वोलिनी स्प्रे है या फिर कोई भी ऐसा मेडिकामेंट है गुम चोट के लिए, तो आप उसे यूज करते हैं उतना ही, तो प्रेशर से ऊपर से वॉल से आप प्रेस करते हैं तो उतना ही आप मेडिकामेंट बाहर करते हैं ना, उतना ही कंटेंट बाहर निकालते हैं ना जितने की आपको आवश्यकता है। तो इसके लिए जरूरी होता है वॉल्स का। देयर आर थ्री टाइप ऑफ वॉल्स आर यूज इन नाउअडेज। तीन टाइप के वॉल्स अभी यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस स्प्रे वॉल्व। पहला है कंटिन्यूअस स्प्रे वॉल्व। दिस वॉल्व एक्सपेल मेडिकामेंट कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज एक्वेटर इज प्रेस्ड। देखिए ये कुछ इस टाइप का आपका बोल सकते हैं मेडिकामेंट है जो टाइप है कंटिन्यूअस स्प्रे वॉल्व। दिस वॉल्व एक्सपेल, एक्सपेल का मतलब होता है कि इजीली बाहर निकाल देता है मेडिकामेंट को कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज एक्वेटर। मींस अगर आप बीच में से वॉल्व को इजीली प्रेस करते हैं तो जितनी भी आपको जरूरत है मेडिकामेंट की उसे बाहर निकाल देता है, तो ये होता है कंटिन्यूअस स्प्रे वॉल्व। सेकंड वन इज मेटरिंग वॉल्व एक्सपेल इज मेटर्ड डोज व्हेन इक्वेटर इज प्रेस्ड। देखिए जब आप बीच में से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं किसे, वॉल्व को, तो जितना भी मैटर आपको चाहिए है, जितनी भी डोज की रिक्वायरमेंट है वो इजीली बाहर हो जाता है। फोम वैल्यू, फोम वैल्यू क्या होती है, दिस वाल्व एक्सपेल द कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ फोम व्हेन एक्वेटर इज प्रेस्ड। देखिए मैंने आपको बताया एक्वेटर क्या होता है, जैसे कि जो वॉल्व है वॉल के बीच से आप प्रेस करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्वेटर, ठीक है। एक्वेटर को जब आप प्रेस करते हैं तो जैसे कि जो शेविंग क्रीम्स आती हैं, शेविंग स्प्रे आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फोम के रूप में बाहर निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा आप स्प्रे शादी वगैरह में या फिर सेलिब्रेशन में जो स्प्रेज आते हैं उन्हें आप प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से स्प्रे टाइप का फोम निकलता है वाइट वाइट कलर का। इसी तरीके से शेविंग क्रीम्स होती हैं, जब आप उन्हें प्रेस करते हैं तो अंदर से क्या निकलता है, फोम निकलता है। मतलब क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं झाग, जहाँ की तरीके से प्रिपरेशन अंदर से बाहर आता है प्रेस करने से, ठीक है। तो ये कहलाता है फोम वैल्यू। उसके बाद इक्वेटर, अब इक्वेटर क्या होता है, इट इज फिटेड ऑन द वॉल्व स्टेम। कहाँ, ये वॉल्व स्टेम में फिट होता है। वॉल्व स्टेम का मतलब होता है ये जो एक कैप जो ऊपर लगा होता है, देखिए ऊपर की तरफ फिट होता है, मीन्स कैप के ऊपर फिट होता है जिसे आप इजीली प्रेस कर सकें और अंदर से प्रिपरेशन बाहर आ सके। इट हेल्प इन इजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व। इससे आप इजीली वॉल्व को इजीली ओपन कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। डिप ट्यूब, अब डिप ट्यूब क्या होती है, देखिए इट इज मेड अप ऑफ पॉलीथीन एंड पॉलीप्रोलिन। पॉलीथीन और पॉलीप्रोलिन क्या होता है, देखिए अब बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के फॉर्मेशन के लिए पॉलीप्रोपाइलीन यूज होता है, ठीक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिक पॉलीमर होता है और बहुत बड़ी वाइड वैरायटी में अगर किसी चीज का प्रिपरेशन हो रहा है वहां पे ये यूज किया जाता है, ठीक है। डिप ट्यूब का मतलब क्या होता है, देखिए मींस ये काम करता है इजीली जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर निकालने का। इट इज़ यूज फॉर टू पर्पस, दो पर्पस के लिए यूज होता है। फर्स्ट वन इज इट कन्वेज द लिक्विड
फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर टू द वॉल्व एट द टॉप. देखिए डिप ट्यूब, बीच में एक ट्यूब, एरोसोल के बीच में एक ट्यूब आपने देखी है. लास्ट में जब मैंने आपको क्या दिखाया था, पीछे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था एरोसोल का, तो उसमें बीच में एक ट्यूब थी. इसका काम क्या होता है, आप प्रेस करते हैं वॉल्व को, वॉल्व को आपने प्रेस किया, तो अगर प्रिपरेशन नीचे चला गया है तो नीचे से उस प्रिपरेशन को ऊपर खींचने का काम करती है डिप ट्यूब. सेकेंड वन इज इट प्रिवेंट द प्रोपेलेंट टू कम आउट विदाउट डिस्पेंसिंग द कंटेंट ऑफ द पैकेज. राइट, देखिए ये प्रिवेंट करती है प्रोपेलेंट को, क्या ना प्रोपेलेंट केम आउट, प्रोपेलेंट बाहर ना आ जाए, उससे भी डिप ट्यूब जो है वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है, उसे रोकती है कि कहीं प्रोपेलेंट ही ना बाहर आ जाए, जब तक पूरी तरीके से आपका जो पैकेजिंग सिस्टम है वो कंप्लीट ना हो जाए और पूरी तरीके से प्रिपरेशन कंप्लीट ना हो जाए. उसके बाद व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एरोसोल पैकेजिंग. अब फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं एरोसोल पैकेजिंग के लिए. फर्स्ट वन इज दे आर यूज फॉर स्प्रे, बैंडेजेस एंड फॉर एप्लीकेशन ऑफ ड्रग फॉर टॉपिकल यूज. देखिए स्प्रे बैंडेजेस जो आपके एरोसोल्स होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, स्प्रे बैंडेजेस के लिए यूज होते हैं, मीन्स वाटर प्रूफ होते हैं. ठीक है, उसके बाद बोल सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा केयर के लिए यूज होते हैं, जैसे कि स्प्रे बैंडेजेस एज आ बैंडेजेस को नेक्स केयर भी बोलते हैं. और ये ऐसी प्रिपरेशन होती है जो कि टॉपिकली यूज की जाती है. टॉपिकली यूज क्या होता है, मीन ऊपर जैसे कि स्किन पे अप्लाई करी जाती है, डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई की जाती है. सेकंड वन इज दे आर यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू वेरियस बॉडी कैविटीज. ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होता है एरोसोल जो कि बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स पे बॉडी के, बॉडी कैविटीज में यूज किया जा सकता है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे शारीरिक कैविटीज का मतलब होता है शारीरिक, ऐसे अगर कहीं पे भी बीमारी हुई है, शारीरिक गड्ढे बोल सकते हैं, इनमें भी एरोसोल प्रिपरेशन का यूज होता है. थर्ड वन इज दे आर यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स सच एज लोकल एनास्थेटिक, लोकल एंटीसेप्टिक, लोकल एनाल्जेसिक एक्सेट्रा. जो एरोसोल्स हैं वो इस टाइप की ड्रग्स हैं जो कि एडमिनिस्टर्ड की जाती हैं किसके लिए, लोकल एनास्थेटिक. ठीक है, मींस लोकली किसी भी पार्ट को अगर आपको एनास्थेशिया करना है, एनास्थेटिक करना है, मींस उसे सुन करना है किसी भी एरिया को, तो आपके एरोसोल्स प्रिपरेशन यूज हो सकती है. लोकल एंटीसेप्टिक एज अ लोकल एंटीसेप्टिक यूज हो सकता है, जैसे कि स्प्रिट वगैरह है, तो अगर आप एरोसोल प्रिपरेशन में वो होगी तो वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद लोकल एनाल्जेसिक, अगर कहीं पे पेन हो रहा है तो उसमें एज अ एनाल्जेसिया भी आप एरोसोल फॉर्म में किसी भी मेडिकामेंट को यूज कर सकते हैं. मतलब लोकल एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, पेन रिलीफर, जो दर्द में आराम दे. फोर्थ इज दे आर यूज टू स्प्रे कॉस्मेटिक प्रिपरेशन सच एज परफ्यूम्स. और बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में भी एरोसोल्स का यूज होता है, जैसे कि परफ्यूम्स. फिफ्थ वन इज दे आर यूज टू स्प्रे डिसइंफेक्टेंट, डिओड्राइजर्स एंड एयर सैनिटाइजर्स. देखिए बहुत सारे जैसे कि डिसइंफेक्टेंट एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करते हैं, डिओड्राइजर्स मतलब रिमूवल ऑफ स्मेल, जो गंदी स्मेल होती है, बू बोल सकते हैं आप, गंदी बास जो होती है, गंदी बदबू, उसे भगाने के लिए भी यूज होते हैं. एयर सैनिटाइजर्स एज अ एयर सैनिटाइजर यूज होते हैं एरोसोल्स. ओके, उसके बाद राइट अ नोट ऑन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग. अब फ्लेक्सिबल पैकेजिंग क्या होती है, फर्स्ट वन इज दीज आर यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट लाइक सोलिड, सेमी सोलिड एंड ऑल्सो लिक्विड. देखिए फ्लेक्सिबल पैकेजिंग ऐसी पैकेजिंग होती है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जो कि सोलिड प्रिपरेशन को भी पैक करने के लिए यूज होती है, लिक्विड प्रिपरेशन को भी पैक करने के लिए यूज होती है. ठीक है, सेमी सोलिड प्रिपरेशन को भी पैक करने के लिए यूज होती है. और ये क्या होती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है. ठीक है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, जैसे आपने कुछ सॉप्स देखी होंगी उसके ऊपर क्या एक प्लास्टिक पेपर कवर अप होके आता है, तो वो क्या है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है. ठीक है, आपने देखा होगा कभी आप ओयो वगैरह में गए होंगे तो वहां पे सॉप और आपको ये लोशन वगैरह मिलते हैं, तो वो किसमें, एक फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में होते हैं. मीन्स उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इजीली उसे रिमूव कर सकते हैं. सेकेंड वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डोज पैकेजिंग इन मेकिंग फ्लेक्सिबल पैकेजेस इज मोर पॉपुलर. कोई
में भी यूनिट डोज है, मतलब एक सिंगल डोज है, उसे पैक करने के लिए मोस्टली फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का ही यूज होता है और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है यूनिट डोज के पैकेजिंग के लिए. कौन सी पैकिंग? फ्लेक्सिबल पैकिंग. थर्ड वन इज द मटेरियल यूज फॉर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आर पेपर, प्लास्टिक फिल्म, एल्यूमिनियम फॉइल और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. देखिए, किसी भी मीन्स मटेरियल को पैक करने के लिए अगर आप फ्लेक्सिबल पैकेजेस का यूज कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से जो बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल पैकेजेस कौन कौन क्या क्या उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो क्या क्या होता है. पेपर्स का हो सकती है फ्लेक्सिबल पैकेजेस, प्लास्टिक फिल्म्स की हो सकती है, एल्यूमिनियम फॉइल की हो सकती है और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. या फिर जैसे पेपर और प्लास्टिक की कॉम्बिनेशन में हो गई, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल और प्लास्टिक फिल्म के कॉम्बिनेशन में हो गए, तो इस प्रकार से फ्लेक्सिबल पैकेजिंग होती है. फोर्थ पॉइंट इज पेपर इज वाइडली यूज फॉर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक पैकेजिंग. जो पेपर है वो मोस्टली यूज होता है ड्रग और कॉस्मेटिक के पैकेजिंग में, ठीक है. ड्यू टू इट्स लाइट वेट, क्योंकि इसका जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा लाइट होता है. इनफ स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है. इकोनॉमी मीन्स इजीली अवेलेबल हो जाता है, कॉस्ट फ्रेंडली होता है एंड कन्वीनियंस, ठीक है. और ये कॉन्वीनियंस मीन्स इजी, सारी सुविधा भी इसमें अवेलेबल होती हैं. इजीली इसे हम रिमूव आउट भी कर सकते हैं. उसके बाद दिया है फिफ्थ पॉइंट, कोटेड एंड लैमिनेटेड पेपर आर मोर एडवांटेजियस. कोटेड और बोल सकते हैं लैमिनेटेड पेपर मीन्स जो ऊपर से कोट हो, कोट हुआ हुआ हो, या फिर लैमिनेटेड पेपर हो मीन्स लैमिनेशन हो रही हो उस पेपर की, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है. क्यों? क्योंकि उसे खराब होने का डर नहीं रहता. लैमिनेशन के बाद आपने देखा होगा तो ऐसे ही लैमिनेटेड पेपर होता है, जिसके अगर उसे एज अ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग यूज कर रहे हैं तो वो मोर एडवांटेजियस होता है, मतलब अच्छी विशेषताएं देखने को मिलती है. ओके उसके बाद हीट सील एल्यूमिनियम फॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. और दूसरी चीज, जो हीट सील एल्यूमिनियम फॉइल होते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल आपने टैबलेट की पैकेजिंग देखी होगी, वो एल्यूमिनियम फॉइल की होती है, राइट. एल्यूमिनियम फॉइल और वो हीट से होती है, दोनों तरफ से क्या होते हैं, पीछे से प्लेन होता है और ऊपर से कैसे टैबलेट पैक होती है उसमें एल्यूमिनियम फॉइल में. सो यही होता है कि अगर हीट सील एल्यूमिनियम फॉइल आप यूज कर रहे हैं किसी भी पैकेजिंग में तो ये मोस्ट सुटेबल होता है. इजीली आप उसे कैरी कर सकते हैं, इजीली आप उसे पॉकेट में कैरी कर सकते हैं या फिर कहीं भी इजीली आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है. फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए ज्यादातर हीट सील एल्यूमिनियम फॉइल यूज होती है टैबलेट की पैकेजिंग में, कैप्सूल की पैकेजिंग में. उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आर यूजफुल फॉर यूनिट कंटेनर्स. उसके बाद जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है वो मोस्टली यूनिट कंटेनर्स में भी यूज होती है. जैसे कि आपने देखा होगा एरोसोल की कोई भी प्रिपरेशन आ रही है, या फिर आप कोई भी खरीदने जा रहे हैं, जैसे कि सिरप, आपने सिंगल सिरप लिया, ठीक है, या फिर आपने कोई भी टैबलेट का तो पूरा का पूरा जो बंडल आता है वो ही पूरा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में होता है. आपने कोई भी सॉप खरीदी तो वो भी फ्लेक्सिबल पैकेज. तो आप कोई भी यूनिट कंटेनर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो किसमें पैक होता है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग ही होती है, मोस्टली फ्लेक्सिबल पैकेजिंग ही यूज होती है यूनिट कंटेनर्स को पैक करने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रिप पैक टैबलेट एंड कैप्सूल आर वेरी पॉपुलर. देखिए, स्ट्रिप पैक टैबलेट जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया था आपको, वो हीट सील एल्यूमिनियम से ही कोट होती हैं. स्ट्रिप पैक टैबलेट और कैप्सूल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इसके लिए. किसके लिए? फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के लिए. उसके बाद कैलीफेन इज अ मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग. सेलोफोन जो मटेरियल है ये भी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग को ही चूज करता है, अपनी पैकेजिंग के लिए फ्लेक्सिबल पैकेजिंग को ही यूज करता है. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज. आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार.